बात निकलेगी फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। आदाब नाज़रीन, श्रीनगर जम्मू व कश्मीर से मेरा प्यार भरा सलाम कबूल फरमाइए। आप जानते हैं 7 सितंबर 2014 में कश्मीर में एक कयामत खेज मंजर बरपा हुआ। एक इंसान कुछ सहलाब आ गया जिसने कश्मीर को अमूमी तौर पर मुतासिर किया, और कश्मीर के चंद इलाके ऐसे हैं जिनको खसूसी तौर पर मुतासिर किया। इन इलाकों में एक इलाका है नारबल। नारबल तहजीब व सकाफत के लिहाज से कश्मीर में एक अहमियत हासिल रखता है। नारबल, जिसे गेटवे ऑफ गुलमर्ग कहा जाता है, यहाँ 7 सितंबर को सहलाब आ गया था, और सहलाब के मंजर आप देख सकते हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानते सैलाब हैं का कि क्या मंजर हुआ था बयानक उस वक्त। था। 4 सितंबर जब हम बण पर रहे थे, 400 नौजवान हमारे साथ थे। हालात ऐसे बदतरीन थे उस वक्त कि सैलाब ने एकदम तकरीबन 30-40 फुट बण को अपनी लपेट में लेकर नीचे गिरा दिया। तो हमने बच्चों को, हमने नौजवानों से अपील की कि वो अपनी जान बचाएं। फिर मंजर ऐसा भयानक रहा कि 14 दिनों नारबल कट ऑफ हो गया। तमाम रूट्स इसके जो थे, श्रीनगर, बारामुल्ला, बड़गाम, सारे रूट से कट ऑफ हो गया। और नारबल इस सूरत में था कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं आया। हुकूमत की तरफ से भी हम कसम परस की हालत में रह रहे थे। हुकूमत ने कोई, यहाँ से कोई उनका रोल नहीं रहा है। तो आपने जाना क्या हुआ था नारबल में?